नाउ लिसन केयरफुली, रेडियो के बारे में कुछ जानकारी जो सवाल बन के आते हैं। आज तुम याद बेहिसाब आए, वर्ल्ड रेडियो डे, ध्यान दें, विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में स्पेन से। अब 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव आया। साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 2012 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मनाना शुरू किया। ध्यान देंगे, दुनिया का वह रेडियो स्टेशन जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम देता है वो है रसिया रेडियो, जिसको हम कहते हैं रेडियो रूस। रेडियो रूस दुनिया के 44 भाषाओं में अपने कार्यक्रम देने वाला बहुत ही पुराना रेडियो स्टेशन है और ये 44 लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम देता है, रेडियो रूस। भारत में 1936 में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसे हम देखते हैं आकाशवाणी नाम किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जब हम आजाद हुए तो 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। हमारे रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो का जो स्लोगन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये आकाशवाणी का स्लोगन है। भारत के ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी 27 भाषाओं में अपने प्रोग्राम देती है। हाँ, हमारा एक विविध भारती है जो 2 अक्टूबर 1957 को स्थापित हुआ, विविध भारती रेडियो स्टेशन है, ने 1967 से व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू किया, रेडियो पर विज्ञापन देना, व्यावसायिक रूप से कमर्शियली काम करना। ये आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, लेकिन आज भी जानते हैं भारत में बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं। ध्यान दें, हर बार जो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है तो उसका थीम रखा जाता है, तो इस बार वर्ल्ड रेडियो का थीम है बड़ा अच्छा, रेडियो और शांति, रेडियो एंड पीस। दिस इज द थीम ऑफ 2023 वर्ल्ड रेडियो डे। समझ में आई बात? अब ध्यान देंगे कुल मिला के, आज कम्युनिटी रेडियो जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के इलाके में सुने जा सकते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। तो रेडियो का एक समग्र रूप से आपने अपना हिसाब किताब देख लिया, दैट्स गुड। अब आपका